पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादित टिप्पणी के विरोध में बीते शुक्रवार को देश में कई जगह उग्र विरोध प्रदर्शन हुए थे और अब उत्तर प्रदेश की सरकार आरोपियों पर लगातार कड़ी कार्रवाई करती नजर आ रही है। इसी क्रम में प्रयागराज में हिंसा के आरोपी माने जा रहे मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप के मकान पर बुलडोजर चलाया गया और अब इस मुद्दे पर AIMIM के चीफ असदुद्दीन अवैसी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और गुजरात में असदुद्दीन अवैसी ने उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमला करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के CM अब उत्तर प्रदेश के चीफ जस्टिस बन चुके हैं और अब वो फैसला करेंगे कि किसका घर तोड़ना है। आगे अवैसी ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में कोर्ट और अदालतों में ताला लगा देना चाहिए और जजों को कह देना चाहिए कि वो कोर्ट ना जाएं क्योंकि अदालत की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फैसला तो CM योगी करेंगे कि आखिर मुलजिम कौन है। वहीं जावेद अहमद के घर पर बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का मामला अब गर्मा गया है और वकीलों के एक समूह ने इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा है। पत्र में वकीलों की तरफ से कहा गया है कि जिस घर को तोड़ा गया है उसका मालिक आरोपी जावेद नहीं था और घर जावेद की पत्नी के नाम है। वहीं घर को ध्वस्त करना कानून के खिलाफ है और आरोपी की पत्नी को अवैध निर्माण की कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप नाम का जो अभियुक्त था, जो अभी तक की तफ्तीश में इस पूरी घटना का सूत्रधार बन के उभर के आया है, उस पे उसके अवैध निर्माण पे ये जिला प्रशासन और PDA के द्वारा कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के दौरान उसके घर की सर्चिंग भी की गई और उसमें आपत्तिजनक सामान मिले हैं। टोटल जो आपत्तिजनक सामान मिले हैं, जिसमें अवैध असलहे और आपत्तिजनक पोस्टर वगैरह हैं, उसको कब्जे में ले लिया गया है, उसकी सूची बन रही है और उसको तफ्तीश में शामिल किया जाएगा। अगर आप डिटेल में बात करना चाहें तो जो भी असलहे मिले हैं उसमें एक 12 बोर का अवैध तमंचा है, इसके अलावा 315 बोर का एक तमंचा है और कई कारतूस बरामद हुए हैं, कुछ कागजात बरामद हुए हैं जिसपे माननीय न्यायालय पर तल्ख टिप्पणी और आपत्तिजनक टिप्पणी। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए कोबरा पोस्ट हिंदी को सब्सक्राइब करें और अलर्ट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और हाँ दोस्तों, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए।